हजूर दे इस्म दी तारीफ इस तरह भी जिक्र आंदा कि हशर दा देना होगा। हजूर फरमाते ने सब तो पहले मैं बहिश्त दा बुआ खोलांगा, जदों मैं बहिश्त दा बुआ खोलांगा मेरे पीछे लैना बन के दुनिया खलोती होगी। मैं हुण कदी बुए वाले वेखांगा कदी पिछलियां वाले वेखांगा। एडा एडा लाजपाल रसूल अज चौधरी दा कमी बने रह जांदा है, चौधरी अगे टुर जांदा है। हजूर फरमांदे ने मैं इंज दा रसूल नहीं, जिन्हों मैं पिछे वेख लवां ना फिर दिल करदा इहनूं नाल ही ना लै जाओ। फरमाया मैं तुहाडा महबूब हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर फरमांदे ने मैं खड़ा होवांगा ते लैणा बन के दुनिया पिछे खलोती होवेगी। मैं आखांगा मौला हुक्म होएगा महबूब जन्नत बुआ खोलो तो जाओ। हजूर कहेंगे हुण दस मैं कल्ला ही जावां। मैं कल्ला ही जावां। अल्लाह करीम फरमाएगा ओए बंदियो आ तुसीं लैणा बन के इत्थे खलोते तुसीं की लैण आए हो। हुण आखे या अल्लाह लैण की आए, तू मुहम्मद नूं आवाज दित्ती साडे नाल नाल मुहम्मद आउंदा सी अहीं आ गए आ। अल्लाहु अकबर सर कहदे सुभान अल्लाह। एडा लाजपाल रसूल सल्लल्लाहु कहणगे साडे नाल नाल मुहम्मद आउंदा सी असी भी। अल्लाह फरमाएगा तुहानूं तां मैं सद्दिया ही नहीं। वो आखणगे चल नहीं सद्दिया तो मुहम्मद दा नां ते लिया ही ना कि मुहम्मद आ जा ते साडे नाल नाल आउंदा सी असी आ गया। अगर तुसीं नखेड़ के कहंदे कि रसूल मुहम्मद आ जा, नबी मुहम्मद आ जा, महबूब मुहम्मद आ जा, फिर तो नखेड़ हो जाना सी कि अल्लाह ने अपने यार नूं सद्दिया सानूं नहीं सद्दिया, साडे नाल नाल मुहम्मद आउंदा सी असी लै आ गए आ। हुण दस की करिए किथे जाइए। नबी अंज समान वल वेखेगा, वेख के हशर वाले दिन भी मुस्तफा कहणगे या अल्लाह हुण की करना है, लै जा महबूबा फिर ना जो तेरा होंदा लै जा। हुजूर दे इस्म दी शान अल्लाह ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है बस नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण देखिए जद आई ना मौला अली दी वारी, हजूर नूं लगा पता मेरा वीर आया। सरकार बड़े चा नाल गए, चाची अम्मा ना रखे ही, अर्ज कीती वे आका ना की रखना, मैं ते सोची पई आ ए जदों दा अली झोली च आया ना इन्हे लब खोले ने ना अख खोली है। हजूर फरमाने लिया हां वखा चाची, लिया हां वखा चाची। जदों मौला अली दा वजूद नबी ना लगा ना ते अली नूं पता लग गया कि जिदे लई अखां मैं बंद कीतियां सन ना उह ते सोणा आ गया। जिदे वास्ते मैं अखां बंद कीतियां सन ना ओ सोणा आ गया। ते आपने ना इंज करके नरगसी नैन खोल के ना नबी पाक दियां अखां चखां ला दित्तियां जी। ते बड़े अदब ना कहंदी है वे सोणिया चाची तू तो कहती सही बोलता नहीं अखा नहीं खोलता, यह तो बिल्कुल सही है। अगो चाची का जवाब सुनो क्योंकि हजूर दे घर पले सन ना, हजूर पले सन ना चाची वाल अदावान का पता सी। ते अर्ज की फिर तुसी जानो ते आए आने वाला जाने मैनू की पता है, मैनू क्यों पता जे तुसी जानो ते जाने। अच्छा फिर जनाब इंज करके अली ने अख खोली ते नबी दे चेहरे ते ला दी। जवानी दे वेले हजूर ने फरमाया अली तू जन्म दे वेले अख क्यों नहीं सी खोली। अर्ज कीती आका गल सिर्फ इन्नी सी जिथे आया सी ओ सी बैतुल्ला, विच सी 360 गैरुल्ला, ते मैं दुआ करके आया सा आखो ते युगड़े जदों आ जे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों हजूर लई सलातो सलाम तशरीफ लै आवण उस वेले मेरी अख खुले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली नूं अजर की अता फरमाया, फरमाया अली जे तुसा अखा नहीं ना खोलियां
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਜਰ ਲੈ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੱਖ ਉਗੜੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਗੈਰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜਮਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਅਨ ਨਜ਼ਰੋ ਇਲਾ ਵਜਹ ਅਲੀ ਇਬਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਅਨ ਨਜ਼ਰੋ ਇਲਾ ਵਜਹ ਅਲੀ इबादा अशिकर अली इबादा फरमाया अली दा शिकर भी इबादत है और अली दे चेहरे नु वेखना भी इबादत है हुन शायर ओदा रंग अपने रंग विच पेश करदा है शायर कहंदा सुनी होई है तो हदीस मुस्तफा दी ए अली नु ते वेखना सुनी होई है तो हदीस मुस्तफा दी ए अली नू ते वेखना इबादत खुदा दी अली अली कर फिर अली अली जप दरा अली अली जप तेरे ऐब लुक जान गे अली अली जप तेरे ऐब लुक जान गे ए गमां दे तूफान ते थोडेरा चुक जान अल्लाहु अकबर फिर जद ज़ारा पाक आईया हजूर फरमांदे ने ज़ारा पाक दे पैदा होने तो पहलो मेरे कुल जिब्रील अलैहिस्सलाम एक किता लेके आए आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका इन्हू खोलो हजूर ने उस किते नू खोलिया खोल के वेख्या ते उत्ते लिखे फातिमा जबरील मुंह बोल के कहंदा है रब पिया कहंदा सोनिया जड़ी हुन बेटी आई है ना एदा नाम फातिमा रख दियो और देखिए लफ्ज़े फातिमा जड़ा है ना ये फातिमा फतीम दे विच्चों निकलिया एदा मैंने बड़े ही ने कि सब तो अरफा जड़ा मैं ना आप बख्शी होई ते जड़ा इना दी चौखट ते गिर जाएगा उन्होंने भी बख्शवा लवेंगे फातिमा दे नां दा तर्जमा फातिमा दे नां दा तर्जमा असमा बिनते उमैस फरमांदी कसमे रब्बे जुल जलाल दी जदों ज़ारा पाक एक दुनिया दे उत्ते आ खतून है जिथे कानून टुटा तुसी कहोगे मौलवी कादा हर एक बंदे दी रूह नूं परवाज मलकुल मौत या मलाइका जिन्हां दी ड्यूटी लगी हुंदी है वह परवाज करदा है ज़ारा पाक एक ऐसा वजूद है जिदी रूह नू मलकुल मौत ने नहीं जिदी रूह नू मलकुल मौत ने नहीं कब्ज किया बल्कि अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर एदा तज़करा कर दिया होया क्या कि ज़ारा जदों सजदे च सिर रख के तर्ज की ना मौला मेरिया आखिरी घड़ियां ने मैं तेरे को जर वर कर जेवर नहीं मंगती मैं सिर्फ इन्ना ही तरला तेरा मारनी आ के मेहरबानी कर हैं अगर मलकुल मौत आ गया मेरे कोल ते मेरे पर्दे च फर्क आना है अगर मलकुल मौत आ गया मेरे कोल सुनो हसन दी मां कौन सुन हुसैन दी मां कौन है मौला मौला मैं तेरी बारगज कुछ नहीं मंगदी मेरिया दो अर्जा कबूल कर ले एक ते एही अगर आज मेरी इबादत दा मुल पाना ही अगर मेरे रात दे सजदियां दा मुल पाना है एक तरला मेरा मान ले मेरे अब्बे दी गुनाहगार उम्मत दे गुनाह माफ कर दे ऐसी खतून कोई दुनिया ते नजर आएगी आप अर्ज कर दिया ने मौला सिरा मेरी एक तमन्ना ते आखरी आरज़ू है
मेरे अब्बा पाक दे जिन्ने भी उम्मत दे गुनाहगार ने उना दे गुनाह माफ कर दे। दूजा मेरा तरला ए वे अगर मलकुल मौत आया मेरी रूह परवान करेगा मेरे पर्दे विच फर्क आएगा। अज तक किसे फरिश्ते मुहम्मद दी ती दी पैर दी तली भी नहीं वेखी। तेनु कोई फर्क नहीं पैंदा जे अपनी कुदरत नाल मेरी रूह परवाज कर लवे। सारे को यार सुभान अल्लाह। जहरा पाक दी रूह नु फिर अल्लाह ने अपने फजल और अपने करम दे नाल कब्ज फरमाया है ना। नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ले के जड़े वाले अल्लाह करीम ने मेरी बेटी वाल बेटा अता फरमाया जिदा नाम इमाम हसन है। मैं आज इमाम हसन अलैहि सलाम दा तनहा जिक्र करना चाहना। तवज्जो है जरा। इमाम हसन अलैहि सलाम मेरी सरकार फरमाते ने जदों अल्लाह करीम ने मेरे घर दो त्रै अता फरमाया हजरत असमा बिनते उमैस एक और हजरत सलमा दो सहाबियात रावी ने। हजरत असमा फरमादिया ने कि इमाम हसन की विलादत के बाद मैं सैयदा वल ध्यान करके वेख्या तो कोई आरजा औरतां वाला है ही कोई नहीं सी। तो मैं हजारा नाल ही गल की मैं दौड़ के नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम दी बारगाह विच पहुंची। हजरत असमा बिनते उमैस कहंदी ने मर्द कीती कौन है दे वाली। हजूर फरमाया असमा खैर है। अर्ज कीती आका पहली ते मुबारक कबूल करो अल्लाह ने जारा वाल बेटा अता फरमाया ते तुहाडा दोतरा आ गया है। तुहाडा दोतरा आ गया है। हैरान कमली वाले इस गल तो वा एक किस तरह की औरत है। तुसी नाराज ना होना मैं अगर अगर रवायत पेश करा तो कईयां नूं ख्याल आ जाना है कि मौलवी अज तक नहीं ये गल सुनी तू कितों कढ लईए। इमाम हसन की विलादत दे तकरीबन एक घंटे के बाद नमाज का टाइम हो गया जारा ने नमाज नहीं तली। हाँ 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 जारा पाक ने नमाज नीत ली। फिर समाप्त फरमा दिया ना मैं मजीद हैरान हुई किस तरह की औरत किस तरह की औरत है। इहदा वजूद नपाक नहीं होया। जही मुस्तफा कुल में पहुंची नार्ज की आका मैं ते ऐ हालत वेखी है फातिमा तुजारा दी। हजूर ने फरमाया अम्मा अलिम ते तेनू नहीं पता। अर्ज की आका खादा फरमाया मेरी धी तहरा भी है ते मुतहरा भी है। फरमाया दिल ते रसूल सैयदा सालार फातिमा आला हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दद दीन मिल्लत कदी आला हजरत दा कोई अकीदा वेखे ना ते कोई भी बंदा ये गल कहन वास्ते तैयार ना होवे। आला हजरत फरमांदे ने आबे तत्हीर में जिनके पौधे जमे। आबे सुभान अल्लाह। अल्लाह हजरत ने किड्डी बड़ी गल कर छड़ी फरमाया आबे तत्हीर में जिनके पौधे जमे उस रियाजे निजाबत पे लाखों सलाम। आप फरमाते ने हसन हुसैन किथे तौर दे पानी विच पल दे रहे ने। तहारत दे पानी विच पल दे रहे ने।
حضرت دوجے تھا تے فرماندے نے جن کی عظمت کا خدا پاک کرتا ہے بیان, جن کی عظمت کا خدا پاک کرتا ہے بیان, آیا ہے آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. امام حسن جب پیدا ہوئے نا ایک گھر کڈا سونا ہے, جے علی آوے تے نبی چکے, سید زہرا ہن ملک صاحب تے نبی چکے, اگے امام حسن آن تے علی نوں وی گڑتی نبی دے, فاطمہ نوں وی گڑتی نبی دے, حسن نوں وی گڑتی حسین نوں وی گڑتی نبی دے, تے جے ساڈا بندہ کو چاچا بابا گڑتی دے لے ساڑیاں مائیاں بھیڑا کہندیاں نے منڈا تے گیا ہی داد گیا دے, منڈا تے گیا ہی چاچا تے. ایمانداری نے دسو عاشقو او جنہاں نوں گڑتی رسول دے وے پھر انہاں رسول تے ہی جانا سی. سبحان اللہ سبحان اللہ, سارے کہہ دیو سبحان اللہ. جنہاں نوں پر گڑتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین. امام حسن آئے آپ نے چکیا دن, علی فرمایا بیٹی علی نا رکھیا جے نہیں آقا تسی رکھ لو. حضور فرما دے نے پھر مینوں رب نو پوچھ لین دے. بولو بولو یار, ایڈا گھر سونا مینوں رب نو پوچھ لین دیو. نبی کریم علیہ السلام فرما دے نے جے میں دلیل کیتی ہے تے جبریل علیہ السلام خدمت وچ حاضر ہو گیا. اجے امام حسن دا نام نہیں رکھیا. جبریل علیہ السلام آ کے عرض کردے نے ماں داغ دے نینا والیا حضرت ہارون دے بیٹیاں دا نام صبر ہے, اک دا نام شبیر ہے. آپ نے فرمایا ذرا سلیس کر کے جبریل دا صبر کینوں کہندے نے شبیر کینوں کہندے نے. عرض کیتی آقا صبر حسن نو آکھدے نے شبیر حسین نو آکھدے نے. میرے آقا مسکرا کے فرمایا اے دا نام حسن رکھ دے نے, آیا اون والے دا نام حسین رکھ دے والے. ہر بات اے دا نام امام حسن رکھ دیو. لفظ حسن میں ہن پڑھا قرآن جی ڈٹ کے کہو سبحان اللہ. ساڈا عقیدہ قرآن ہے. لوگ کہندے نے نا اسی قرآن پڑھنے ہیں, نہیں ساڈا عقیدہ قرآن ہے. اچھا جی آپ دا نام حسن ہے, امام حسن ہے, اور اے امام حسن علیہ السلام کون حسن؟ لفظ حسن جڑا ہے نا اے حسن چوں نکلیا ہے, چوں نکلیا ہے. اللہ فرماندا بندیا میں جو تو تینوں بنایا ہے نا تے میں تینوں کوجا نہیں بنایا. ہن پڑھا قرآن اچھی کہو سبحان اللہ. میں تینوں کڈے سونے جے سانچے چٹا لیا, اور حضور دی حدیث ہے اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ فرماندا میں آپ بھی سونا وا تے سونیاں نوں پسند کرنا. و یحب الجمال فرمایا میں خود بھی سونا تے میں سونیاں نوں پسند کرنا. ہن حضرت یوسف علیہ السلام نوں پوچھیا ہیں تے اللہ فرماندا ہے احسن القصص, یوسف علیہ السلام دا قصہ بہت ہی سونا. میں یوسف علیہ السلام نو بڑے رام نال ہاتھ بن کے عرض کیتی اللہ دے پیغمبر تواڈے سون دا تے بڑا ہی رولا پے ہے, تسی دسو ہو کس طرح دے سونے ہو؟ توجہ ہے, عجائب القصص چوندا ہے کہ ذکر آندا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے او تسی کیڑے دھیانے لگ گئے ہو میرے حسن دے. جدو حسن لکھیا جا رہا سی نا تے قلم نو ڈوبا چوکھا لگ گیا سی, وہ جڑا چھڑکیا ہویا حسن ہے وہی تے یوسف ہے.
ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਦਮੇ ਈਸਾ ਯਦ ਬੈਦਾ खूबा हम दरंद तनहादारी पंजाबी का तर्जमा ना करा मियां मोहम्मद बख्श साहब की बोली में मियां दा फरमांदे ने सै यूसुफ की करा तुहाडा सै यूसुफ उबरदे हो के ਕਾਂਦੇ ਯੂਸਫ ਏ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਿਦਰ ਜੇ ਏ ਬੂਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਨੇਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਬੀਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਸਾ ਘਿੰਨ ਈਸਾ ਘਿੰਨ ਈਸਾ ਘਿੰਨ ਈਸਾ ਘਿੰਨ ਉਹ ਖਾਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵੈਸਾ ਘਿੰਨ ਖਾਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵੈ ਕਰਦਾ ਤਾਇਓ ਦਸਤ ਮੁਬਾਰਕ ਯੋਦਾ ਸ਼ਾਫੀਏ ਹਰ ਜ਼ਰਰ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਯੋਦਾ ਸ਼ਾਫੀਏ ਹਰ ਜ਼ਰਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦਰ ਨਸ਼ੀਨ ਉੱਚੀ ਯਾਰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦਰ ਨਸ਼ੀਨ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਾ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਆਕਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਆਏ ਜਬਰੀਲ ਆਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਕਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਰੂਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਬਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਸਨ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਸਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਸਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸ਼ਬਾਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ देखिए इमाम हसन नु गुड़ती दिती ते सतवें दिहाड़े सरकार ने अकीका कीता। अज कई भरा साडे पुछ लैंदे जी जे सतवें दिन ना कर सकीए ते फरमाया फिर हट के कर लो कर लो क्योंकि ये सुन्नत है। सरकार ने अकीका भी कीता ते मामे हसन दे वालां दे बराबर चांदी तकसीम। बच्चे दे वाल किन्ने कु हुंदे ने उस दौर दी चांदी दिती इनू कहंदे ने अकीका। अकीका कीता साडे मुसलमान इस सुन्नत वल बहुत घट ध्यान करदे ने। क्यों मैं बोलो नाराज हो गए हो? मुंडे दा विआह होवे ते कर्जा भी चुक लैंदे ने लेकिन आरफ लोग अल्लाह वाले अगर सतवें दिन ना भी हो सके तो हुक्म है कि साल के अंदर अंदर अकीका कर लो। तुसी पका के भी खवा सकते हो ते ज़बा करके भी उंज भी वंड सकते हो। कई बंदे कहते हैं जी सानू खाना चाहिए घर वालों नू घर वाला भी खा सकता घर वाला भी। हदीस सुन लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर च गए भुख की लगनी सी रसूल नू हजूर ने फरमाया सहाबिया छेती करके ना रोटी लिया मैनू भुख लगी कि भुख की लगनी सी एवं एक बहाना ही सी फरमाया रोटी लिया छेती छेती वो डरे मेरे घर सदके दा गोश्त आए है ते रसूल इस घर च ते सदका है ही कोई नहीं सारा जहान इन्हां दा सदका खांदा है। और साडा एक शगिरदे अजकल आए आ पाकिस्तान एक दिन बड़े लाड नाल आया मदरसे आके कहन लगा मियां दरीस नू भाजी आ तुहाडे लई सदका लियांदा आंदा चुक लै मैं सदका खाण वाला वां आंदा भाजी सारा जान रसूल दा सदका खांदा भाजी सारा जान रसूल दा सदका खांदा है ओह जे भी बंदा जिउंदा है हैं साडे प्यार वाले च बच्चा सी शगिरद सी उन्हें लाड़ ना के पा तेरे लिए सदका लिया उन्हें ना गौर की तेन गुस्सा चढ़ गया मैं सदके वाला कहता भाई नाराज काली होंगे सारा जान सदका ही रसूल का खाता तो तुसी खा लोगे अल्लाह अल्लाह मुहम्मद दा सदका करम कर इलाही पलो पलो मुहम्मद दा सदका मुहम्मद दा सदका अरज कर दी मेरी ए रूह से आही। हजरत इमाम हसन अलैहि सलाम दा बचपन बड़ा उसी ने हदीस ते मुश्तरक है। इमाम हसन अलैहि सलाम दा नाने नाल इंज दा प्यार हुंदा सी तारीख उल खुलाफा दे अंदर तज़किरा हुंदा कि हजूर नमाज पढ़ते सन ना इमामे हसन पुछत ते पलाकी मार के ना सवाल के इबने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमांदे ने मैं एक दिन वेख्या कि इमामे हसन नूं ना हजूर ने कंधियां ते चुकिया ते मैं कहना वा वाह जी वाह सदके जाओ किड्डी सोहणी सवारी ओए यानी दो तरह कंधियां ते वे ते इबने अब्बास फरमांदे ने मैं हजूर नूं आख्या किड्डी सोहणी सवारी है सवारी कितनी सोहनी है। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया इब्ने ब्यास सिर्फ सवारी दी ना गल कर जड़ा उत्ते सवार बैठे ही घटे सिर्फ सवारी दी ना गल कर जड़ा उत्ते सवार बैठा है घटे। मनाकब देखो फजाइल देखो हजूर जदों नमाज पढ़ते सन ना इमामे हसन अलैहि सलाम ना आप दी लत्तां दे विचों दी थल्यों दी निकल के दौड़ जांदे हुंदे सन यानी ये लाड सी। नमाज पढ़ी जा रही है एक दिन ना इमामे हसन ना जारा पाक ने झिड़क दिती फरमाया पुत्रो तुसी केड़े ध्याने लग गए हो
नाने नु ना सताया करो जाके। मुस्तफा फरमांदे ने धीए रहन दे, इन्हां नु खेडन दे, मैं अपनी उम्मत नु सबक देना चाहता कि मेरे दो तरे किस तरह दे ने, मैं नाना किस तरह दा, उम्मत नु सबक देना चाहता कि मेरे निवासे किस तरह दे ने। बड़े बड़े नाने दुनिया ते आए ने, पर मुस्तफा वर्गा नाना इन्हां निवासियां वर्गा निवासा कोई नहीं। और हुजूर ले सलातो सलाम मिंबर शरीफ ते बैठे ने, आप खुतबा पे देंदे ने, इमाम हसन हुजूर दी दाढ़ी नाल खेड़दे ने पे, हुजूर कभी खुतबे वाल हो जाते ने, कभी हसन वाल हो जाते ने। सहाबा फरमाते ने सी प्यार ते अगे भी बड़ा ही करते स, जो मिंबर ते बैठे रंग वेख्या ना ते फिर असी ज्यादा प्यार करन लग पे। आप दा बचपन बड़ा हुसीन है। आप फरमाते ने जब मेरे नाने पाक ने पर्दा फरमाया ना, उस वेले मेरी 7 साल की उम्र सी। किन्नी? रावी ने लिखा कि उस वेले 7 साल की उम्र सी। आप दा कुव्वत हाफजा इन्ना सी कि 7 साल की उम्र विच आप कम अज कम 13 हदीसा दे रावी सन। 7 साल की उम्र विच आप फरमाते ने कि मैं 13 या 14 हदीसा दियां मैं उस वेले भी रवायत की है, यानी कुव्वत हाफजा इस तरह का सी। आप फरमाते ने जड़े वेले मेरा जमाना खिलाफत आया, बोलो बोलो बोलो, जड़े वेले मेरा जमाना खिलाफत आया, आप फरमाते ने नौकर जड़ा खाना पे खिलांदा दस्तरखान विछिया होया है, जनाब ओदे कोलो सालन मेरे कपड़िया ते रुड़ गया, मैनू थोड़ा जा गुस्सा महसूस होया, मेरे मथे दे तेवर बदल दे वेखे नौकर ने, मथे दे जदो तेवर बदल दे वेखे बड़े आराम लाल अर्ज करदा है, हुजूर वल कादिमीन अल नौकर भी तो इमामे हसन दा सी ना, कोई आम नौकर ते नहीं सी ना, जानदा सी, रमज शनास सी, वल का जमीन अल गैज। सरकार तुसी ते गुस्सा पी जांदे हो, हजरत इमाम हुसैन हसन ने फरमाया मैं गुस्सा पी लिया। फिर वो बड़े राम ला कहंदा वा या फू अनिन्नास, तुसी ते लोकां नू माफ भी कर देंदे हो। आपने हस के फरमाया उफ़ो का जा, मैं तेन माफ भी किया। त्रीजी बारी कहता इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इच्छी को सुभान अल्लाह। और नौकर किड्डा सोना है जड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम दा मुलाजम है, जड़ा नौकर है जड़ा रोज रसूल दी शिबा दी ज़ियारत करदा। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया अल्लाह ने की करने वाले नु पसंद कर दे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा मैं तेनु आजाद भी कर दिता। ओ जनाब आजाद हो के कहंदा केड़े मुंह नाल गल करा, किस किस दा मैं जिक्र करा, केड़े मुंह नाल करा, किस किस दा मैं एक मुंह नाल गल करा, किस किस दा मैं जिक्र करा, है दर्द घराने दा, जी जी ए बड़ा सोना दर्दे घराने दा, सुनिए इमाम हसन दा बचपन है अजे जवानी नहीं। नबी पाक ने वेख्या ना नमाज पढ़ते सन पे तो कंध्या ते आके सवार हो गए, हुण ना नबी कयाम च जाए ते ना सजदे च जाए, कंध्या ते बैठा है। हजूर ने इथों इथों फड़ के रावी कहंदा है, इथों फड़ के गलमियो कमीज फड़ के ते थले ला के फरमाया इबनती हाजा सैयदुन, ए मेरा पुत्र सरदार सैयद है। इबनती हाजा
सैयदन इन्नी गल करके ना ना अजे हजरत अमीरे मुआविया दा दौर आया ना इमामे हसन दी खिलाफत आई मुहम्मद पहले फरमा रहे उच्ची बोलो उच्ची बोलो उच्ची बोलो अजड़े लोग कहते जी नबी किवें वेखदा है नबी दी अख किवें काम करदी है आपने फरमाया इबनती हादा सैयदन त्रै वारी हजूर दी जबान विचों ए लफ्ज निकलिया त्रै वारी हयाती है जी तुसी कहोगे किवें जो तो सैयदा दी वारी आई ते फरमाया सैयदा तुन निसा इला आलमीन जारा पाक ने फरमाया ते जदो अली दी वारी आई ते फरमाया सैयदुल अरब वल अजम ए अरब ते अजम दा सरदार है लफ्ज सैयद जड़ा ना वो कुरान च भी है हां जी बिल्कुल तेरा पुत्र सरदार होवेगा हसूर भी होवेगा नबी भी होवेगा ते साले भी होवेगा है ना साबत हो गया खेड़े मोह नाल गल करा किस दा मैं जिक्र करा है दर्द घराने दा जी जी ए बड़ा सोना पढ़ो तरा है दर्द घराने दा इमाम हसन अलैहिस्सलाम दा दौरा खिलाफत आप दा दौरा खिलाफत आप दे कोल एक आदमी आया आप अपने मुंशी नूं फरमांदे ने ओ जड़ा बंदा आ रहा है ओनू 40,000 अशर भी दे दे बंदा नजदीक आके कहंदे हजूर मैं ते 10,000 अशर भी नहीं चुक सकदा आपने फरमाया मैं तेनू 40 देने मजदूर भी देना मजदूरी भी देना मुसलमान जरा गौर कर ओ बड़े अदब नाल अर्ज करदा है हुजूर मैं ते मंगिया भी नहीं फरमाया तेनू पता होना चाहिदा मैं उस नाने दा दोतरा जिथे मंगण दी लोड़ ही नहीं पैंदी हजरत इमाम हसन और इबादत कैसी है आपने 5 हज पैदल किए किन्ने 5 हज इमाम हुसैन ने किए ने 5 हजी इमाम हसन ने किए ते इबादत का रंग हुसैन का भी आला इमाम हसन का भी आला अज मैं सिर्फ इमाम हसन दे बारे अर्ज करना चाहना मेरी सरकार ने कठियां दी भी शान बयान कीती अलैदा अलैदा भी हजूर ने इमाम हसन दी शान बयान कर दिया होया फरमाया शिबा और रसूल है ये मेरी मुशाबत है दो चीजा दा हजूर ने रंग बयान कर दिता एक ते फरमाया मेरी मुशाबत इब्राहिम ते वे और दूसरा फरमाया कि मेरी मुशाबत ते हसन है अशबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मेरा मुशाबे वे जहर दिता गया ए नहीं हजूर नु भी जहर दिता गया तुसी कहो कि किस तरह यहूदिया ने गोशत दे विच जहर पा के हजूर दी दावत की थी ते हजूर लई सलातो सलाम ने एक लुकमा चुकिया ना ते दूजी वारी बोटी बोल पई मुहम्मद मेनू ना फड़ी आपने फरमाया ते पहले क्यों नहीं बोली है पहले तुहाड़ी दलील सी हुण मैं नौकर हो गया ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पहली मर्तबा मैं इस वास्ते नहीं बोली कि तुसा दिल नहीं त्रोड़िया तुसा दावत कबूल कीती है क्योंकि हर चीज नबी नु जान दी है कि ये नबी है भावे डंगर है भावे हैवान है भावे दरिंदा है भावे परिंदा है
हर शह जानती है। इमाम हसन अलैह सलाम नो पांच मर्तबा जहर दिता गया, कितनी बारी बोलो बोलो ते जी एडिया हस्तियां नाल किसे वफा नहीं की थी। जरा गौर करना मेरी गल, एडिया हस्तियां नाल जे किसे वफा हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह तआला अन्हो, ओ मुसैयब सहाबी है कि जदों यजीद ने मदीना तैयबा ते चढ़ाई की है ना, है ना, ते मस्जिद नबवी नु ताले मारे ने, ए सहाबी ना जिवें दीवाना नहीं हुंदा, दीवाना बन के ते नबी दी कबर दे अंदर चला गया। हुण ना उत्थे सूरज नजर आंदा सी, सहाबी फरमांदे ने कसम रब्बे जुल जलाल दी मैं रब नु जान देनी है, मैं नमाजा पढ़न तो औखा हो गया सा कि सूरज दिसदा नहीं सी, टाइम दा पता नहीं सी लगदा कि फजर कदों पढ़नी है, जोर कदों पढ़नी है, असर कदों पढ़नी है, ते मगरब ते इशा कदों पढ़नी है। आप फरमांदे ने कसम रब्बे जुल जलाल दी पांच वक्त मुहम्मद दी कबर तो अजान दी आवाज आउंदी सी, मैं नमाज शहीद बिन मुसैयब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि मैं इमाम हसन अलैह सलाम ने फरमाया कि मैं ख्वाब वेखी है, की वेखी है, ख्वाब वेंदा नबी दा दोतरा, तबीर दसदा सहाबी ने कि मेरिया अखां दे दरमियान कुल शरीफ लिखिया जा रहा है, मैं ख्वाब च वेखिया। अगो हजरत सईद बिन मुसैयब कहंदे ने नवासिया जे नाराज ना हो तो गल सही कर दें जी, सही कर दियो। फरमाया तुसी चंद दिनां दे प्रौणे हो, तैयारी कर लो। हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह तआला ने कहा कि तुसी चंद दिनां दे प्रौणे हो, जिदा नक्शा मियां मुहम्मद बख्श साहब ने फरमाया सै सै जोड़े संगत दे डिठे दे शकल कर गई। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला दा कलेजा फट फट के बाहर आन लग पिया। भरा भरावां दे सज्जन भी हुंदे ने, दुश्मन भी हुंदे ने। इमाम हुसैन ने आखिया भाई जान ए तुहाडी हालत मेरे कोलों वेखी नहीं जांदी, तुसी दसो ते सही तुहानू जहर देण वाला कौन है। आपने हस के फरमाया वीरा चुप कर जा, मेरा रब जाने ते मैं जाणा। अगर तुसी मार देवो इन अल्लाह इंतकाम, आपने फरमाया अल्लाह ज्यादा बदला लैन वाला है, अल्लाह बेहतर बदला लैन वाला है। अज भी इमाम हसन अलैह सलाम जन्नतुल बकी विच अपनी मां दे कदमां च लेके इमाम हसन ओ हस्ती है जड़े अज भी आप जन्नतुल बकी विच लेटे पे ने। अल्लाह मेरी ते तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।